हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपने एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सबके लिए, हर आदमी के लिए, चाहे आप कहीं काम कर रहे हैं या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं घर पे हैं, हर किसी के लिए ये आपको उपयोगी है। तो जो मैं, जैसा कि मैं अपने मेरे स्लाइड पे देख रहे हैं कि आज का मेरा टॉपिक है वो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग। फर्स्ट एड ट्रेनिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। आज बात करेंगे कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्या होता है, एम ऑफ फर्स्ट एडर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड कैसे देते हैं, और कुछ टॉपिक्स लेंगे फर्स्ट एड के बारे में। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें ताकि मैं नया नया टॉपिक लेके आऊं। चलिए मैं अपने स्लाइड को प्रेजेंटेशन व्यू में लेके आता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, कब सबसे पहले इसको फॉर्म किया गया, तो 1877 में इसको सबसे पहले फाउंडेशन किया, जब फाउंडेशन हुआ सेंट जोन्स एम्बुलेंस का, उस समय ही इसको माना जाता है कि फर्स्ट एड का उस समय से उत्पत्ति हुआ फर्स्ट एड का। ऐसे तो ह्यूमैनिटी का शुरू से ही रहा है कि फर्स्ट एड लोग देते रहे अपने तरीके से। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? तो फर्स्ट एड एक इमीडिएट जो सपोर्ट दिया जाता है किसी को भी, जो इमीडिएट सपोर्ट दिया जाता है कोई मेडिकल हेल्प देने से पहले, उसको बोला जाता है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार उसको बोलते हैं जो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकली ट्रीटमेंट देने से पहले जो हम उपचार देते हैं उसको बोला जाता है फर्स्ट एड। एम ऑफ द फर्स्ट एड, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले पहला उद्देश्य होता है लाइफ को बचाना, लाइफ को बचाना। तो क्या सबसे पहला उद्देश्य है? सेव द लाइफ या प्रिजर्व लाइफ। दूसरा उद्देश्य होता है प्रमोट रिकवरी, मतलब रिकवरी के लिए उसको ले जाना ताकि उससे जो प्रॉब्लम है उससे थोड़ा वो रिकवर कर पाए। और तीसरा उद्देश्य होता है इसका, जो अभी उसका कंडीशन है उससे और ज्यादा न बढ़ जाए और वॉर्स ना हो जाए, उसको हमको बचाने के लिए इसको दिया जाता है। तो तीन जो उसका एम होता है, लाइफ को बचाना, रिकवर करना, और कोई और वो जो प्रॉब्लम है उस और ना बढ़ जाए उसको हमको प्रिवेंट करना, उसको सपोर्ट करके प्रिवेंट करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मुख्य प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे देते हैं? तो फर्स्ट एड का पहला प्रिंसिपल होता है डायग्नोस, उसको जानना कि क्या हुआ है। ऐसा नहीं कि गए आप कुछ देखा नहीं और फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट देने चालू कर दिया। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि क्या प्रॉब्लम है तब तक आप उसको फर्स्ट एड नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? डायग्नोस करना, ठीक है। दूसरा, उसके बाद ट्रीटमेंट करना, जो आप फर्स्ट एड अवेलेबल है उसको ट्रीटमेंट देना। और तीसरा, उसके बाद सिक्योरली हम उसको ट्रांसपोर्ट करना प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी के लिए, हॉस्पिटल के लिए। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? किसी भी तरह का जो किसी को प्रॉब्लम होता है और फिजिकली हम उसको अगर सपोर्ट देते हैं बिफोर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर के आने तक, तब वो हमको होता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। जैसा कि पहले बताया, करेक्टिस्ट मतलब फर्स्ट, एक फर्स्ट एडर को क्या होना चाहिए, फर्स्ट एडर को क्या होना चाहिए? उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको पेन पेन वो दे, उसके कारण पेन और बढ़ जाए। उसको दूसरा ये होना चाहिए कि वो जो जो चीज अवेलेबल हो, जो उसके पास अवेलेबल हो, उसको वो प्रॉपरली उसको यूज कर पाए। ऐसा नहीं कि जो चीज नहीं है उसके बारे में वो ढूंढने लगे, नहीं, वो आराम से उसको चीजों को यूज कर पाए। उसको उसका ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो जितने भी उसके कोई पेशेंट है उसके साइन देख के उसको
ऑब्जर्व कर पाए कि क्या इसको प्रॉब्लम हो सकता है। वो आदमी जो फर्स्ट एड दे रहा है उसको कभी भी अलार्मिंग, वो खुद मतलब बहुत ज्यादा वो हड़बड़ाना नहीं चाहिए उसको। वो खुद अगर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत हरी एंड वरी में रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो खुद उसको प्रॉपरली वो नहीं कर पाएगा। अलार्मिंग सिचुएशन में रहेगा तो नहीं कर पाएगा। और उसको क्या है कि सारे लोगों को एक प्रॉपर उसका क्या बोलते हैं उसको एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये आदमी सही है और उसका माइंड काम रहे। कौन फर्स्ट एड दे सकता है? जो आदमी उसको फर्स्ट एड का नॉलेज हो, जिस आदमी के पास गुड डिसीजन पावर हो, जो कूल एंड काम हो और दूसरे को हेल्प करने की इच्छा रखता हो। सेम वही आया, रूल ऑफ फर्स्ट एड। रूल ऑफ फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड देने के कुछ रूल हैं। तो सबसे पहले लोकेशन पे पहुंचना है, ठीक है, उसको जाके वहां पे ऑब्जर्व करना है कि क्या है, उसके बाद उसका ब्रीथिंग चेक करना है, उसके बाद उसको आपको इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह तो नहीं है वो चेक करना है, और कोई सीरियस ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, सीवियर ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है वो चेक करना है। ये कुछ हमारे फर्स्ट एड के पॉइंट्स हैं कि अगर वुंड हो गया, ब्लीडिंग हो गया तो कैसे करना है, बर्न हो गया तो कैसे करेंगे, फ्रैक्चर हो गया तो कैसे करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं अगले टॉपिक में आपको लेके आऊंगा। तब तक मैं आपको स्लाइड अपना दिखा देता हूं कि अगर ब्लीडिंग होता है तो कैसे करेंगे। तो जो ब्लीडिंग है तो मैं उसको क्या करेंगे, कोई भी चीज है तो उस पर हम अप्लाई करेंगे, कुछ कॉटन या कुछ अप्लाई करेंगे और उसको बैंडेज करेंगे और अपने हार्ट से उसको ऊपर अपलिफ्ट करेंगे ताकि ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए। इसमें एक रूल होता है कि कोई चीज अगर अंदर घुसा हुआ है, कोई चीज अंदर फॉरेन पार्टिकल है, तो उसको हमको रिमूव नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आपको ब्लड को और तेजी से बाहर आने का जगह मिल जाएगा और हो सकता है कि कोई पार्टिकल अंदर उसमें रह जाए, तो उसको हमको रुकना है, ठीक है। दूसरा, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो उसको आपको यूज करना है, जैसे कि आपके पास कोट कर्टन हो, कोई धोती हो, हैंडकरचीफ हो, उसको आप यूज कर सकते हो। बर्न होता है, बर्न भी दो, बर्न जो है बर्न का डिग्री ऑफ बर्न होता है, जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसके बाद परसेंटेज ऑफ बर्निंग होता है, 9% ऑफ बर्निंग इसको बोला जाता है, इसको 12 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले कि डिग्री ऑफ बर्न हमको सिचुएशन करना है कि कौन सा बर्न है, ठीक है। उसके बाद उसको जो जिस जगह पे बर्निंग हुआ है उसको हमको जेंटली केवल वाटर से उसको हमको ये करना है, वाटर में उसको डालना है, ठीक है। और कोई कपड़ा वगैरह हो, कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह हो तो हमें उसको रिमूव कर देना है वहां से, ठीक है। और हो सके, पॉसिबल हो तो उसको थोड़ा सा हमको जूस वगैरह अगर दे सकते हैं तो उसको जूस वगैरह, सॉरी, टी एंड कॉफी देना है, ताकि उसका जो ड्रिंक ये रहे वो बना रहे, टी और कॉफी उसको हमको देना होता है। फ्रैक्चर हो तो हमको कुछ करना नहीं है, जनरली क्या होता है कि लोग खींचने तानने में लग जाते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट हम उसको किसी चीज से सपोर्ट करना है और ज्यादा उसको मूवमेंट ना हो उसका ख्याल रखना है और उसको हमको डॉक्टर के पास भेज देना है। कोई फॉरेन पार्टिकल आई में चला गया तो हमको सिंपल सा करना है कि हमको पानी उसमें आंख में मारना है और कोई चीज उसको कवर करके, आई को कवर करके हमको उसको डॉक्टर के पास भेज देना है। ऐसा नहीं कि खुद ही उसको निकालने के लिए कुछ ट्राई करें कि हैंडकरचीप से या किसी चीज से, फूंकने से। उसमें एक चीज और ध्यान देना होता है कि हमें कभी रबिंग नहीं करना होता है, आंख को मींचना नहीं होता है। रबिंग करने से क्या होता है कि आपको आंख का प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा।
स्नेक बाइट, स्नेक बाइट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि लोग फियर फियर से मर जाते हैं। स्नेक बाइट जो होता है उससे लोग फियर से मर जाते हैं। अपने इंडिया में टोटली 625 से 630 टाइप के उनके प्रजाति हैं, उसमें से केवल चार ऐसे सांप हैं जिनके काटने जो पॉइजनस हैं, ठीक है। और रियली सांप काटने के रियली 10,000 में से एक आदमी कोई मरता होगा सांप काटने से, नहीं तो क्या होता है कि लोग फियर से मर जाते हैं। जैसे फियर होता है तो जो चीज पहुंचना चाहिए हमारे हार्ट तक 8 घंटे में वो आपको 1 से 2 घंटे में पहुंच जाता है, और वहां से वो नर्वस सिस्टम काम करना चालू हो जाता है। तो एज ए फर्स्ट एडर हमको क्या करना है, वहां पे जस्ट उसको थोड़ा एरिया को मार्क कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा एक थोड़ा एक आप उसको 1 फीट बोल सकते हैं, 1 फीट के ऊपर उसको हल्का टाई मार देंगे ताकि, और इसको आप हार्ट से नीचे रखेंगे ताकि हार्ट के पास वो ब्लड ना जाए, और उसको मूवमेंट ज्यादा ना करें, और उसको ये बोले कि नहीं भाई ये नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और उसको आप नियरेस्ट हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल भेज दें। थैंक यू वेरी मच, होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।